Welcome to VLearn. This is session 6 of System Analysis and Designing. Today we are going to cover different hot topics in the software development as well as in the system development. And these are quality assurance in software lifecycle. What are the quality factors which are responsible for bringing the quality into the system? Software requirement specification, software design specification, maintenance issues, and at last system control. So let's talk about the first topic, that was quality assurance in software lifecycle. Quality. What is quality? As when we talk about the quality, then there are lots of things that crop up in your mind. So basic, the goal of this stage, this specification is to describe various factors that are mainly responsible for the quality of the proposed system. They are as follows. कौन कौन सी चीज़ें जिसको हम quality consider करते हैं? Like अगर आपका बनाया हुआ software या system जो है, अगर correctness की feature को show करता है, correctness in the sense, what you say, what you have. आपको जो बोला गया है आप या आपका इन द सेंस कस्टमर का, हम यहाँ पर आप या आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं. कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट कब लगता है, चाहे वो सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है? जब आपने उसको वही पैरामीटर दे दिए जो एग्जैक्टली उसने बोला था. अगर आप ये चीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं, देन इन द आइज ऑफ कस्टमर यू हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट फीचर्स. रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. तो सिस्टम में अगर या सॉफ्टवेयर में आपने ऐसे प्रोविजंस ऐड किए हैं जिससे बैकअप्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मेंटेन्ड हो पा रहे हैं, एक ही इम्पॉर्टेंट कॉपी ऑफ डेटा को आप एक से ज़्यादा जगह पर से एक्सेस कर पा रहे हैं, सो दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी द सेम डेटा कैन बी रिट्रीव. इट मीन्स योर सॉफ्टवेयर और सिस्टम इज बेसिकली रिलायबल. एफिशिएंसी अनदर इज यूजेबिलिटी. इफ योर सिस्टम इज एबल टू यूज इन अ वेरी ईजी मैनर, then this feature is also considered as a quality factor. Another is maintainability. It means ability to maintain. Like अगर हम एक system, computer system की बात करते हैं, तो हम अपने software को या system को maintain कैसे रखते हैं? With the help of antivirus, हम scan disk चला देते हैं. हम ये सारी activities इसलिए करते हैं so that हम अपने system की life को maintain कर सकें. So that ability to maintain is called as one of the quality feature of software lifecycle. Another is testability, that is ability to test. अगर आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर या सिस्टम कैपेबल है कि हम उसको टेस्ट कर सकें, सो दैट फीचर इज कॉल्ड एज अ टेस्टेबिलिटी. पोर्टेबिलिटी, इट मीन्स सेम सॉफ्टवेयर कैन बी रन इन डिफरेंट वेक्स ऑफ द कंप्यूटर. एक ही सॉफ्टवेयर को आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पर रन कर पाते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. एक्यूरेसी, दिस इज मोर फ्रेंडली फीचर. हर पर्सन को एक्यूरेसी काम में पसंद है, काम में हो या सॉफ्टवेयर में हो या सिस्टम में हो, तो दैट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड एट ऑल लेवल. सो एक्यूरेसी, इफ योर सिस्टम और सॉफ्टवेयर इज मेंटेनिंग एक्यूरेसी, लाइक बैंकिंग में तो 0.1 या डेसिमल प्लेसेस का डेटा भी बहुत मैटर करता है, वहाँ पर आप इग्नोर नहीं कर सकते इन चीज़ों को, राइट? सो एक्यूरेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्पेसिफिकली इन द फाइनेंशियल कैलकुलेशंस एंड बैंकिंग इंडस्ट्री. अनदर वे इज एरर टॉलरेंस. ऑल्दो ये एक ऐसा फीचर है जिसको अभी तक इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली है, बट आई थिंक इट प्लेज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. एरर टॉलरेंस, कुछ इनवैलिड इनपुट्स लेने के बाद भी अगर आपका सॉफ्टवेयर करेक्ट आउटपुट देता है, नाउ इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर टू टॉलरेट द एरर, एंड इट इज़ वंडरफुल फीचर. एंड इफ योर सॉफ्टवेयर इज रिफ्लेक्टिंग दिस फीचर, इट मीन्स योर सॉफ्टवेयर इज ए क्वालिटी सॉफ्टवेयर. एक्सपेंडेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू एक्सटेंड. अगर एज द टाइम कीप ऑन चेंजिंग, कॉम्पिटिशन कीप ऑन चेंजिंग, sometimes just to survive in this competitive environment, we have to bring new technology into our organization. New, not only technology, rather in
it could be any software, any hardware. And if your software is capable to expand the capabilities in terms of changing technology, then this feature is basically called as a expandability. Access control and audit. Every organization builds some standard mechanism for accessing the data, and if that accessing mechanisms are fully fledged in terms of security, then this features comes as a quality feature. Another important parameter, quality parameter of any software, is communicativeness. Your software must be capable to communicate different messages at different point of time by means of some dialog boxes, some wizards and all these, so that the things can be corrected. So all these factors contribute to the specification of the quality assurance. Now, what is software requirement specification? Software requirement specification means the assurance regarding the quality to achieve the goal, and it is being done by generating the requirements. And requirements document that helps in providing the technical specification for developing the software is called as a SRS. यानी कि वो SRS is basically said to be एक ऐसा document होता है जिसको base बना के हमारे software developers अपना काम करना शुरू कर देते हैं. In most of the books it is written that SRS, that is software requirement specification, is said to be the backbone of any software engineering industry. Because if everything is okay at SRS level, then the final software will be near to the requirement of the customer. Or agar if the problem is exactly lies in SRS of that particular software, then nothing can be resolved, nothing can be get back, right? पहली वाली जो चीज़ SRS थी वो हाईली फोकस कर रहा था आपके रिक्वायरमेंट पार्ट पे, कस्टमर के रिक्वायरमेंट पार्ट पे. नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू कवर द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, मीन्स क्या स्पेशल फीचर, क्या यूनिक फीचर यू वांट टू ऐड इन द सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज. तो डिज़ाइन फेज में जो स्पेशलिटी, जो पिक्यूलैरिटी, जो यूनिकनेस आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, वो कहाँ पर लिखी जाती हैं? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में. ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बेसिकली डिफाइन करता है एक ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर को, दैट प्रोवाइड द फंक्शंस एंड फीचर्स गिवन इन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, राइट. नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू कवर डिफरेंट इश्यूज दैट मस्ट बी कंसिडर इन द मेंटेनेंस फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर. Many studies at the private university and government level have been concluded to learn about the maintenance requirement for information system. These studies reveal the following facts. In studies ne kuch facts and figures highlight kiye hain. According to that one, 60-90% of the overall cost of the software goes into the maintenance work. Yani ki 10 lakh mein se हम कहेंगे कि 6-9 लाख जो है हमारा सीधा सीधा कहाँ पर खर्च होता है? मेंटेनेंस में, राइट. ऑफन मेंटेनेंस इज नॉट डन वेरी एफिशिएंटली. एक और इम्पॉर्टेंट इशू जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए कि हम हाईली फोकस करते हैं SRS पे, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन पे, कोडिंग पे, टेस्टिंग पे, डेवलपमेंट फेज में, हम सब फेज के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, लेकिन मेंटेनेंस को एक इग्नोर्ड एक्टिविटी माना जाता है. इसी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है उसको बहुत एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू इन द मेंटेनेंस फेज, दैट मेंटेनेंस इज बेसिकली कंसिडर्ड एज एन इग्नोर्ड एक्टिविटी. उसको इग्नोर किया जाता है. अगर उसको थोड़ा सा उसकी इग्नोरेंस के रेशियो को हम रिड्यूस कर दें तो दैट, तो ये जो 60-90% वाला जो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है इसको हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर डिमांड. सॉफ्टवेयर डिमांड इज़ ग्रोइंग एट ए फास्टर रेट देन द सप्लाई. हमारे सॉफ्टवेयर की डिमांड जो है डेली डेली बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सप्लाई हमारी कम है. यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, वो सप्लाई कम हो रहा है.
इसी वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ रहा है. मैनी प्रोग्रामर्स आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द सिस्टम मेंटेनेंस देन ऑन द न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. कभी कभी ऐसे किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये भी होता है कि सिस्टम मेंटेनेंस के ऊपर हमारे प्रोग्रामर्स बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. अगर 8 आवर्स दे हैव टू डिवोट फॉर द वर्क तो उसमें से 6 आवर्स दे हाईली डिवोट फॉर द सिस्टम मेंटेनेंस. अगर और वो क्या नहीं सोचते हैं, दैट इज़ द न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अगर इस रेशियो को हम वाइस वर्सा कर दें, मीन्स न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हम 60% सोचें और मेंटेनेंस के रिगार्डिंग हम 40% सोचें, तो आई थिंक वी कैन हैव बेटर रिजल्ट्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द मेंटेनेंस कॉस्ट कैन बी drastically reduced by taking care of these maintenance issues. Now, what is the objective of system control? System को हम कैसे control कर सकते हैं, किन parameters में हम control कर सकते हैं, let's talk about that one. There are different parameters which are required for the controlling of the system, and these are, first one is accuracy. Accuracy of data, reliability, security, efficiency and audit. These are the 5 dimensions that are need to be covered while controlling the system. Now, what are the types of control? हमने अभी cover तो किया है कि system control करते समय ये 5 dimension accuracy, reliability, security, efficiency and audit को control करना चाहिए. अब इन 5 dimensions को हम 2 different categories में कंट्रोल कर सकते हैं. दैट इज़ दीज 2 types ऑफ कंट्रोल विच कैन अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम आर एक्सटर्नल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल. एक्सटर्नल कंट्रोल वो कंट्रोल पैरामीटर्स हैं दैट आर इम्प्लाइज बाय द लॉज, जिसके रिगार्डिंग हम कानून बना सकते हैं, कुछ रेगुलेशंस अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसीजर सेट कर सकते हैं. वी कैन बिल्ड द पॉलिसीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द सिस्टम which ultimately will affect the operation of the system. हम उसको external to the organization apply करते हैं. Another is internal control. Internal controls are basically the plans, procedures and guidelines, rules and checks under which the system must function. Right? So जितने भी हमारे plans, procedures या guidance हैं which are internal to the organization, that comes under the category of internal control. So again, at last, we are here to provide you the question. I hope you will be able to do it. Then the first question is, explain software requirement specification. You have to write 10 points for the same. And the second one is, explain system maintenance issues. Again, you have to write the 10 points for the same. With this, we are going to finish this session. Thank you.